सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ यार अच्छे होंगे। तो भाई लोग, सबसे पहले आप सभी भाई लोग नीचे जो घंटी है उसे चेक करो, आपने ऑल पर सेलेक्ट किया है कि नहीं। जिन भाइयों ने पहले से ऑल पर सेलेक्ट कर रखा है तो यार दिल से मतलब शुक्रिया उनका, थैंक यू यार। और जिन भाइयों ने नहीं कर रहा है तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि यार मतलब लैग बढ़ता जा रहा है और वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए अगर घंटी ऑल पर सेलेक्ट कर लोगे तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो भाई लोग, आज का टॉपिक होने वाला है सैमसंग J2 2018 या सैमसंग का आपके पास कोई सा भी डिवाइस है और उसमें फ्री फायर ऑटो बैक करता है ना, तो ये वीडियो आप सभी भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। जिस किसी को भी ऑटो बैक प्रॉब्लम फिक्स करना है वो इस वीडियो का लास्ट तक वॉच करना। अगर जिस किसी को ऑटो बैक फिक्स नहीं करना वो इस वीडियो के यार छोड़कर जा सकता है, मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखो। जो बंदा लास्ट तक देखेगा वो यार मैं गारंटी देता हूँ इस चैनल के द्वारा आपका लैग और ऑटो बैक सैमसंग के मोबाइल में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो भाई लोग, इसलिए कहता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना, और मतलब सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊँ वो फॉलो करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलेगा आपकी ऑटो बैक प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। तो भाई लोग, सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आप सभी के पास कौन कौन सी रैम का मोबाइल है, यार मुझे भी जानना है मेरे सब्सक्राइबर भाई लोग कौन कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले हम बात करेंगे सैमसंग J2 2018 में ऑटो बैक आखिरकार क्यों होता है। तो भाई लोग, जैसा कि सभी को पता है जो सैमसंग का डिवाइस है मतलब बहुत ही लो वर्जन है उसका, लो वर्जन है और मतलब ओल्ड वर्जन भी है। तो भाई लोग, अब ये ओल्ड वर्जन के मोबाइल बहुत ही ज़्यादा लैग करते हैं, लाइक सैमसंग हो गया, रेडमी गो हो गया, तो इसमें लैग होता है प्लस साथ इसमें ऑटो बैक बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब यार कुछ खेल रहे हो आप और मतलब बीच में ऑटो कट हो जाएगा और आपका ब्लैक स्क्रीन पर कर गेम होम स्क्रीन पर आ जाएगा और आप गेम से बाहर आ जाओगे, ये प्रॉब्लम यार बहुत ही बुरी है यार। तो भाई लोग, आज की वीडियो हम इसी का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं, आपका ऑटो बैक कभी भी नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लोगे तो। तो भाई लोग, सबसे पहले हम आप बताएंगे ऑटो बैक आखिरकार क्यों होता है। तो भाई लोग, ऑटो बैक का कारण दो है, आपका प्रोसेसर लो और रैम की कमी। तो भाई लोग, प्रोसेसर लो और रैम की कमी के कारण हमारा गेम ऑटो बैक करता है। चाहे आपके पास सैमसंग का कोई भी डिवाइस हो, चाहे आपके पास कोई सा भी कंपनी का डिवाइस हो, वो ऑटो बैक तभी करेगा तब उसका प्रोसेसर गेम को चला नहीं पाएगा। गेम को चला नहीं पाएगा प्रोसेसर तो गेम आपका ऑटो बैक तुरंत हो जाएगा। तो भाई लोग, आज की वीडियो के अंदर हम बताएंगे सबसे पहले आपको जो प्रोसेसर से लोड कैसे कम करना है। अगर प्रोसेसर में लोड कम पड़ेगा आपके गेम पर, मतलब आपके मोबाइल के प्रोसेसर पर लोड कम पड़ेगा तो आपका गेम कम लैग करेगा और ऑटो बैक तो होगा ही नहीं। तो भाई लोग, अब आपके दिमाग में यार एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि ये जो प्रोसेसर से लोड कैसे कम होगा। तो भाई लोग, प्रोसेसर का लोड कम करने का कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, आप जो वन क्लिक में प्रोसेसर का लोड कम कर लोगे, इसकी एक ही ट्रिक है कम से कम एप्लीकेशन रखना। तो भाई लोग, कम से कम एप्लीकेशन रखोगे तो इससे आपके दो काम होंगे, आपका प्रोसेसर से लोड कम होगा और साथ ही आपकी रैम भी फ्री होगी। तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है सैमसंग के मोबाइल में आप व्हाट्सएप फेसबुक लाइट के अलावा कुछ भी यूज़ मत करना अगर आपको फ्री फायर ऑटो बैक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो। ढेर सारे बंदे कहते हैं यार हमको यार कुछ ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ आपको क्या करना है। जिस ऐप्स की आपको ज़रूरत पड़ती है आपको उसको SD कार्ड में आपको सेव कर लेना है और तब आपको ज़रूरत पड़े तब आपको उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका काम हो जाए उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तो गाइस, इसके बाद हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स के बारे में। तो ढेर सारे बंदे यार जान ही नहीं पाते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स वो ऐप्स होते हैं जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी, जब आप नया मोबाइल ख़रीदते हो तो उसमें ऑलरेडी आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सभी ऐप्स को आपको डिसेबल कर देना है। लाइक देखो, गूगल प्ले म्यूजिक हो गया, गूगल प्ले मूवीज, सभी को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो भाई, नेक्स्ट में हम बात करने वाले ऐप्स को फोर्स स्टॉप के बारे में। तो यार ढेर सारे बंदे बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं कि इस ट्रिक को इग्नोर कर देते हैं, ऐप्स के फोर्स स्टॉप से कुछ नहीं होता। तो गाइस, ये आपकी बहुत ही बड़ी भूल है और ऐप्स से मतलब फोर्स स्टॉप करने से आपकी ऑटो बैक प्रॉब्लम में 80% का सुधार हो जाएगा, इस बात को यार मैं लिखकर दे सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गेम खेलने से पहले सभी ऐप्स को आपको फोर्स स्टॉप करना है प्लस उसका क्लियर कैच करना है। फोर्स स्टॉप और क्लियर कैच करना आप सभी लोग आसानी से जानते होंगे। ऐप इन्फॉर्मेशन में जाकर सभी ऐप्स को आपको फोर्स स्टॉप करना है प्लस आपको क्लियर कैच कर देना है। क्लियर कैच करने से आपको कोई भी डेटा वगैरह डिलीट नहीं होगा, अपने भाई पर यार विश्वास रखो। तो आपको फोर्स स्टॉप प्लस आपको क्लियर कैच करना है। फोर्स स्टॉप से क्या होता है, वो ऐप्स आपके बैकग्राउंड में बिल्कुल काम करना बंद कर देगा और आपका फ्री फायर ऑटो बैक नहीं करेगा तब तक वो ऐप फोर्स स्टॉप
होगा। तो आपको सभी ऐप्स को फोर्स स्टॉप करना है अपने सैमसंग के मोबाइल में गेम प्ले करने से पहले। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो भाई लोग इस ट्रिक में हम बात करने वाले हैं माइक एंड साउंड की। तो भाई लोग आपको क्या करना है, जब आप लो एंड डिवाइस में गेम प्ले करते हो, मैं ये नहीं कहूँगा आपके पास कोई सा भी डिवाइस हो, आपको माइक तो ऑन करना ही नहीं है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपको माइक ऑन करना पड़ सकता है, तब आप ऐसी सिचुएशन में माइक ऑन कर सकते हो कुछ, मतलब कुछ समय के लिए। जैसे आप 15-20 सेकंड के लिए माइक ऑन कर सकते हो, जब आपके पास एनिमी आ जाते हैं और आपके मतलब टीममेट थोड़ा दूर होते हैं, तब आप थोड़ा माइक ऑन करके उनसे उन्हें अपने पास बुला सकते हो। फिर उसके बाद आप तुरंत आपको माइक ऑफ कर लेना है। माइक ऑन रहेगा ना तो आपका जो है डिवाइस ऑटोबैक ज़्यादा होगा, लैग भी बहुत होगा। तो आपको कभी भी माइक ऑन नहीं करना है अपने सैमसंग के डिवाइस हैं। तो भाई लोग इसके बाद हम बात करने वाले हैं साउंड की। तो साउंड को आपको बिल्कुल कम रखने की कोशिश करनी है, और मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको एक ईयरफोन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास सैमसंग का डिवाइस है या कोई भी आपके पास लो एंड डिवाइस है वो ऑटोबैक करता है, तो आपको ईयरफोन लगाकर आपको गेम प्ले करना है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो भाई लोग इस ट्रिक के अंदर हम बात करने वाले हैं बैटरी की परसेंटेज को लेकर। तो ढेर सारे बंदे इस ट्रिक को भी बहुत ही बंदे इग्नोर कर देते हैं। उन्हें क्या मतलब है, बस उन्हें अपना मोबाइल उठाना है और गेम प्ले करना है। भाई लोग वो ये तक भी नहीं देखते कि मतलब जो बैटरी परसेंटेज कितनी है, ऐप्स हमने फोर्स स्टॉप किए कि नहीं, हमने रिसेंट ऐप क्लियर किए तो नहीं, बस उन्हें गेम प्ले से मतलब है। अरे यार, एक बार गेम प्ले करने से पहले अपने मोबाइल की तरफ तो देखो यार, सैमसंग का लो एंड डिवाइस है आपका और आप कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट गेम प्ले कर रहे हो, तो ऑटोबैक होगा नहीं तो क्या होगा। तो यार ढेर सारे बंदे यही गलती करते हैं। आपको क्या करना है, गेम खेलने से पहले सभी ट्रिक को फॉलो करना होता है। आपको ट्राई करना है कहीं रीसेंट में एप्लीकेशन तो नहीं चल रही, बैकग्राउंड में कहीं कोई ऐप तो नहीं चल रहा, और आपको जो है बैटरी की परसेंटेज हमारी 60 से कम है तो नहीं। अगर वो सब कुछ है तब आपको गेम प्ले करना है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो भाई लोग इस ट्रिक में हम बात करने वाले हैं जो बंदे DPI यूज़ करते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले बता देना चाहता हूँ DPI की फुल फॉर्म। तो भाई लोग DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। तो अगर आपके पास कोई सा भी सैमसंग का डिवाइस है या आपके पास लो एंड डिवाइस है और वो ऑटोबैक करता है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने DPI ऑन कर रखी है तो जितनी DPI नॉर्मल होती है आपको कर देना है। DPI से क्या पड़ता है, आपके मोबाइल पर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है और आपका जो है मोबाइल क्रैश हो सकता है। तो आपको अपने लो एंड डिवाइस के अंदर कभी भी DPI यूज़ नहीं करनी है, जैसा है उसे वैसा ही रहने देना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कॉन्फ़िग फाइल के बारे में। तो भाई लोग देखिए, कॉन्फ़िग फाइल सैमसंग J2 मोबाइल के लिए मैंने अभी नहीं बनाई है, मैं ट्राई कर रहा हूँ यार मैं सैमसंग J2 मोबाइल के लिए कॉन्फ़िग फाइल बनाऊँ। लेकिन यार कॉन्फ़िग से लैग तो फिक्स आपका हो सकता है, लेकिन कोई मतलब कोई कॉन्फ़िग आपका ऑटोबैक फिक्स नहीं कर सकती है। ऑटोबैक प्रॉब्लम, ये जो मैंने स्टेप्स बताए यही स्टेप्स आपकी ऑटोबैक प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर ये ना सर्च करें यार कॉन्फ़िग फॉर ऑटोबैक, तो पूरे यूट्यूब पर आपको वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपको कॉन्फ़िग मिल जाए। अगर ऑटोबैक की कोई कॉन्फ़िग आपको दे रहा है तो आपको महाचूतिया बना रहा है। भाई लोग आज की वीडियो में बताना ही था, उम्मीद करता हूँ आप सारे स्टेप सॉल्व करोगे और आपकी ऑटोबैक प्रॉब्लम सैमसंग के मोबाइल में फिक्स हो जाएगी। तो जब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड लव यू ऑल।